दोस्तों शबाना आज़मी जी की पहली फिल्म आई थी साल 1974 में। अंकुर और भाई साहब इनकी पहली फिल्म ही हिट रही, मतलब गजब। इसी साल ही इनकी दूसरी फिल्म आई फासला और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई थी इश्क 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 और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई थी परिणय और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 1975 में इनकी फिल्म आई निशांत और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद 1976 में आई फकीरा और यह भी हिट रही। इसके बाद आई थी शक और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी कदम्बरी और यह बिलो एवरेज हुई थी। इसके बाद 1977 में इनकी फिल्म आई खेल खिलाड़ी का और यह अबव एवरेज हुई थी। इसके बाद आई थी हीरा और पत्थर और यह सेमी हिट रही। इसके बाद शबाना जी की फिल्म आई अमर अकबर एंथनी और भाई साहब शबाना जी की यह फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसके बाद आई थी शतरंज का खिलाड़ी और यह हिट हुई थी। इसके बाद आई थी परवरिश और भाई साहब शबाना जी की यह फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद आई थी एक ही रिश्ता और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई थी स्वामी और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी कर्म और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी विश्वासघात और यह एवरेज रही। इसके बाद आई आधा दिन आधी रात और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई जलिया वाला बाग और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई चोर सिपाही और यह तो एवरेज रही। साल 1978 में इनकी फिल्म आई किस्सा कुर्सी का और यह एवरेज रही। इसके बाद आई देवता और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई स्वर्ग नर्क और दोस्तों यह भी हिट रही। इसके बाद आई अतिथि और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई खून की पुकार और यह अबव एवरेज रही। इसके बाद आई टूटे खिलौने और दोस्तों यह तो बिलो एवरेज हुई थी। साल 1979 में इनकी फिल्म आई जीना यहीं और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई जुनून और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई लहू के दो रंग और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद आई अमरदीप और यह अबव एवरेज हुई थी। इसके बाद आई थी भगोला भगत और यह फ्लॉप रही। साल 1980 में इनकी फिल्म आई स्पर्श और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी थोड़ी सी बेवफाई और दोस्तों यह सेमी हिट रही। इसके बाद आई अपने पराये और यह एवरेज रही। इसके बाद आई एक बार कहो और यह सेमी हिट हुई थी। इसी साल ही शबाना जी की फिल्म आई हम पांच और भाई साहब शबाना जी की यह फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद आई ज्वालामुखी और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई थी यह कैसा इंसाफ और यह एवरेज रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 1981 में समा और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई समीरा और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई एक ही भूल और दोस्तों यह हिट रही। साल 1982 में इनकी फिल्म आई रास्ते प्यार के और यह बिलो एवरेज रही। इसके बाद आई सुराग और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी अशांति और यह अबव एवरेज हुई थी। इसके बाद आई थी अर्थ और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई अनोखा बंधन और यह अबव एवरेज रही। इसके बाद आई नमकीन और यह सेमी हिट रही। इसके बाद आई लोग क्या कहेंगे और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई यह नजदीकियां और यह बिलो एवरेज रही। साल 1963 में शबाना जी की फिल्म आई अवतार और भाई साहब यह तो सुपरहिट हुई थी। इसी साल ही आई थी स्वीकार किया मैंने और यह एवरेज रही। इसी साल ही आई दूसरी दुल्हन और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही शबाना जी की फिल्म आई मासूम और भाई साहब यह सुपरहिट रही। इसी साल ही आई मंदी और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई प्यासी आंखें और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद 1984 में इनकी फिल्म आई आज का एमएलए राम अवतार और यह बिलो एवरेज रही। इसी साल ही आई थी खंडहर और यह एवरेज हुई थी। इसी साल ही आई थी लोरी और यह फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई राम तेरा देश और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई गंगवा और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई पार और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई भावना और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई यादों की जंजीर और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई कामयाब और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई हम रहे ना हम और यह भी
फ्लॉप हुई थी, इसी साल ही आई कमला और यह भी फ्लॉप हुई थी, इसी साल ही आई कमला और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 1985 में इनकी फिल्म आई राम तेरे कितने नाम और दोस्तों यह सेम हिट रही, इसी साल ही आई राही बदल गए और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 1986 में आई शर्त और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई खामोश और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसके बाद आई जेनेसिस और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई नसीहत और यह अबव एवरेज रही। इसके बाद आई समय की धारा और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी अंजुमन और यह बिलो एवरेज हुई थी। इसी साल ही आई एक पल और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 1987 में इनकी फिल्म आई मिस्टर एक्स, इसी साल ही आई थी इतिहास और यह एवरेज हुई थी और इसी साल ही आई थी सुषमन। इसके बाद 1988 में इनकी फिल्म आई मर्दों वाली बात और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी पिस्तौंजी और यह भी फ्लॉप हुई थी। साल 1989 में इनकी फिल्म आई रखवाला और दोस्तों यह बिलो एवरेज रही। इसके बाद आई ऊंच नीच बीच और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई मैं आजाद हूँ और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 1990 में आई अम्बा और यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई मुकद्दर का बादशाह और यह फ्लॉप रही और इसी साल ही आई थी एक डॉक्टर की मौत। इसके बाद 1991 में इनकी फिल्म आई झूठी शान और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई थी अंतरनाद और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई फतेह और दोस्तों यह एवरेज रही। इसके बाद 1992 में इनकी फिल्म आई दिशा और दोस्तों यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई अधर्म और यह सेम हिट रही। इसी साल ही आई धारावी और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 1993 में आई थी पतंग और इसके बाद साल 1997 में आई थी मृत्युदंड और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 1998 में इनकी फिल्म आई अर्थ और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई बड़ा दिन और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 1999 में आई थी गॉड मदर और यह फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2000 में आई थी हरी भरी और यह डिजास्टर रही। इसी साल ही आई गजा गामनी और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2001 में आई थी डॉटर्स ऑफ द सेंचुरी। इसके बाद 2002 में आई थी देवी अहिल्या बाई और इसके बाद आई थी मकड़ी और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 2003 में आई तेजाब और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2004 में आई मॉर्निंग रागा और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2006 में आई उमराव जान और यह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2007 में इनकी फिल्म आई हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड और यह एवरेज हुई थी। इसी साल ही आई थी 10 कहानियां और यह डिजास्टर हुई थी और इसी साल ही आई थी सोरी भाई और यह भी डिजास्टर हुई थी। साल 2013 में इनकी फिल्म आई मटरू की बिजली का मंडोला और दोस्तों यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 2015 में आई जज्बा और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 2016 में आई थी चौक एंड डस्टर और यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही इनकी फिल्म आई निर्जा और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद 2017 में आई सोनाटा और यह डिजास्टर हुई थी और इसी साल ही आई थी द विशिंग ट्री और यह भी डिजास्टर हुई थी। तो दोस्तों यह था शबाना आज़मी जी का फिल्मी सफर। दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे जिससे आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।